ये चाइनीज़ कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा मलेशिया में। इधर में सब चाइनीज़ दफन है। देखो कम से कम 3 मरबे जगह होगा इसमें, कुछ 100 एकड़ के, 70-75 एकड़ के करीब होगा जितना भी है जगह जिसमें सारा कब्रिस्तान है। ये वो उस साइड में, वो नीचे में है ना, जो वो जो गरीब लोग हैं ना उन लोगों का कब्र है, और ये जो ऊपर की साइड में है ना, ये अमीर लोग का कब्र है ये जो बने हुए। और ये है हमारी कंपनी का चेयरमैन, उसका कब्र है। इसको क्या लिखा है, ट्रांसलेट करके देखिए ये क्या लिखा है चाइनीज़ में। सब ट्रांसलेट हो जाएगा ना। वो सामने उसका फोटो है जो चेयरमैन है, नाम पता नहीं क्या है, तानसरी कहते थे, नाम पता नहीं क्या है। और पीछे में तानसरी ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में नवाब, नहीं नवाब को बोलते हैं इस तरह, इधर में ना वो नवाब के बराबर ही होता है, तानसरी उसको बोलते हैं। और इस साइड में वो उसका लिखा है, वो आया है सारा कि क्या ये IUI कंपनी का लिखा है, कैसे उसका बुनियाद रखा, उसकी हिस्ट्री वगैरह। और ये उनका कब्रस्त, ये फूल वगैरह रखे हैं, और ये साइड में गार्डन बनाए हुए हैं, ये मेज़ वगैरह रखे हैं, वो भी है। कोई आएगा आके थोड़ी देर बैठेगा इधर। और ये इनका गॉड है कन्फ्यूशियस। इधर में सिक्योरिटी बहुत सख्त है, मतलब ये नहीं कि वैसे ही मुंह उठाया तो कब्रिस्तान के अंदर घुसा, उधर में पूरा वो बंदे का बायोडाटा लिखते हैं। ये ऊपर में बहुत एक किस्म का पहाड़ के ऊपर से ना ऐसे नीचे की तरफ आता है, वो भी सामने भी नज़र आ रहा है, वो पहाड़ के ऊपर ऐसे काफ़ी बड़ा ये कब्रिस्तान है, और सब चाइनीज़ का। तो रिकॉर्ड इधर में वो लिखते हैं कि नाम कौन हो, किधर जाओगे, और फिर वो पीछे में सिक्योरिटी गार्ड साथ भी आता है, आगे दिखाता है कि ये है कब्र, और कैमरे वगैरह भी लगे हैं, क्योंकि इधर में ना वो जो अमीर लोग हैं ना उन लोगों ने इधर में कब्रिस्तान में कब्र जो होता है ना उसके साथ में वो पैसा और सोना वगैरह जो भी कुछ होता है वो भी कहते हैं दफन किया होता है, तो इसलिए सिक्योरिटी सख्त होता है कि कोई चोरी ना कर ले। तो वो दफन क्यों किए होते हैं कि कल को अगर, अभी ये देखो मलेशिया का तीसरा बड़ा कंपनी का मालिक है, कल को खुदा उसके बच्चों का कुछ नुकसान हो जाता है तो फिर वो पैसा निकाल सकते हैं। और 80 साल की उम्र में फोत हुआ था ये देखा ना, 1939 में पैदा हुआ और 2019 में फोत हो गया था। बहुत बड़ा कंपनी है मलेशिया में, सिंगापुर में और चाइना में, और ये है भी चाइनीज़, मलेशियन चाइनीज़ है। ये टेबल वगैरह लगाए हैं ना, तो मैं सोचता था इधर बैठने के लिए सिर्फ लगाए हैं, ये सिर्फ बैठते नहीं हैं, इधर में आते हैं वो अपनी फैमिली वगैरह के साथ खाना पीना ले कर आते हैं और बैठ जाते हैं, और एक कुर्सी खाली रखते हैं। तो उनका अकीदा है ना कि रूह भी आके उनके साथ बैठ के खाती है। तो इसी तरह अभी मैं उधर में घुमाएगा एक, क्योंकि वो ऐसे ही कर रहा है, तो उधर का भी आपको दिखाने, क्योंकि मैं उधर में कैमरा इसलिए नहीं कर रहा वो ना वो गुस्सा ना कर जो झगड़ना पड़े मैं इसके मेरे साथ। वो जो सामने वो कार नज़र आ रही है ना, वो कार वाला आदमी ना वो उधर में किया है, और वो उस साइड में जिधर धुआँ उठ रहा है ना उधर में वो कुछ जला रहा है,
और इधर में वो खाना वगैरह रखा है वो गाड़ी पर लेके आया है, और टेबल लगा के खाना वगैरह उधर रखा है कब्र के आगे में, बियर निकाल के रखा है, थोड़ा सा पिया है, पहले पूजा वगैरह किया है अपना, उसके बाद खाना थोड़ा सा बियर पिया है, खाना वगैरह उधर रखा हुआ है, तो इस तरह का इनका किया है कुछ। इस तरह में ये जो कब्रें हैं ना करे चाइनीज लोगों का, इसका सबसे कम कीमत है। और जो गरीब लोग हैं जिनके पास कब्र लेने के लिए पैसा नहीं, उनके लिए इस तरफ में लॉकर है, यानी कि उनको जला के उनकी राख वगैरह ना वो इधर लॉकर में रख देते हैं। और बहुत बड़ा कब्रस्तान है चाइनीज़ का ही है। ये इनके लेवल हैं SDH ADH इस तरह के। ये कब्रिस्तान के अंदर रोड बनाए हुए हैं, और इनका है कि जो जितना अमीर है ना उसका जनाजा भी वैसा ही होगा, कि अमीर है तो उसका लेमोजीन में जनाजा आएगा, एम्बुलेंस में नहीं, और जो गरीब है उसका एम्बुलेंस में आएगा। और इनका जो आदमी को फोत होता है तो उसका क्या बोल देंगे वो उनका जो चाइनीज मज़हब का है आलम होते हैं वो आते हैं, फिर वो तारीख बताते हैं कि फलां तारीख को ये सीधा जन्नत अल फरदौस में जाएगा उससे पहले वरना नहीं जाएगा, दोज़ख में भी जा सकता, इसलिए वो फिर उसको बोलते हैं कि इसको रोको इतने दिन, उसने एक हफ्ता अगर रखेगा तो एक दिन का 3000 रिंगट वो आलम लेगा।